iPhone 15 और iOS 17 के लॉन्च में सिर्फ और सिर्फ दो महीने बचे हुए हैं तो चलो आज के इस वीडियो में बात करेंगे iOS 17 के उन कूल फीचर्स के बारे में जो कि आपको अपने नए फोन में या फिर जो भी फोन आप पुराने यूज कर रहे हो उसमें देखने को मिलेंगे इस वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से डिवाइस में आईओ एस का सपोर्ट मिलेगा उनके बारे में और तो कौन कौन से काफी अमेजिंग फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ iPhone 8, 8 एट प्लस आई फोन टेन आई फोन ए सी इन सारे फोन में आपको iOS 17 का अपडेट नहीं देखने को मिलेगा यह अपडेट आई फोन ए सी सेकेंड जनरेशन से स्टार्ट होगा उसके बाद iPhone iPhone और इसके बाद की पूरी सीरीज इलेवन इलेवन प्रो इलेक्स ट्वेल्व सीरीज थर्टीन सीरीज और फोर्टीन सीरीज में भी ये अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा तो भाई जिनके पास आई फोन टेन है आई फोन एट है एट प्लस या फिर आई फोन ए सी का पुराना वाला वेरियंट है तो उनको ये वाला अपडेट नहीं देखने को मिलेगा आईफोन ए सी और आई फोन टेन आर के बाद के जितने भी फोन है उसमें

सकते हो ऑल्सो वो कौन से फॉन्ट में होना चाहिए ये सारी चीजें भी आप खुद से डिसाइड कर सकते हो और उसको करना कोई मुश्किल नहीं है जैसे आप नॉर्मल में जाते हो वहां पे किसी भी को सिलेक्ट करके तो पे सारे आ जाएंगे आपको कस्टमाइज करने के यहाँ पे आप कोई फोटो भी लगा सकते हो कोई मेमोजी भी लगा सकते हो या कोई मोनोग्राम भी लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो चाहे वो कर सकते हो कस्टम फॉन्ट लगा सकते हो वहां पे कलर चेंज कर सकते हो तो वैसे देखा जाए तो ये आपको इतना बड़ा फीचर नहीं लग रहा होगा लग रहा होगा ठीक है यार क्या है इसमें हमने को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लिया ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं हो गई इतना बड़ा फीचर भी नहीं हो गया लेकिन अब ये जो सेकंड फीचर है इसके बाद ये वाला फीचर आपको जरूर से बहुत अच्छा लगने लगेगा इस फीचर का नाम है नेम ड्रॉप अब बेसिकली आपने ये जो पूरा का पूरा अपना बनाया हुआ है अपना खुद का जो आपने ये बनाया हुआ है इसको आप सिर्फ एक टैप में किसी और फोन के साथ कुछ इस तरीके से शेयर कर सकते हो और ये अपने आप आपका जो ओवरऑल कॉन्टेक्ट है जो भी आपने फोन सेलेक्ट किया हुआ है जो भी आपने अपना प्रोफाइल फोटो रखा हुआ है ये पूरा का पूरा एक साथ जो कॉन्टेक्ट ये शेयर कर देगा दूसरे आईफोन में और भाई जब भी आप किसी को कॉल करोगे और वो भी में है तो भाई आपका जो कस्टम प्रोफाइल है ये सामने

इसके अलावा फेस टाइम में भी आपको काफी अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि बाई चांस आपने किसी को फेस टाइम किया और उस पर्सन ने कॉल नहीं रिसीव किया तो ऐसी सिचुएशन में आप उनको एक वीडियो मैसेज भेज सकते हो जिससे आप अपना टॉपिक या आपका जो भी मैसेज है वो आप उनको सेंड कर सकते हो वीडियो फॉर्मेट में इसके अलावा एक और फीचर मिल जाता है आपको फेस टाइम के अंदर ये है वीडियो इफेक्ट आप अपनी स्क्रीन को टैप एंड होल्ड करके या से मल्टीपल रिएक्शन को दे सकते हो किसी भी रिएक्शन को सिलेक्ट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके के रिएक्शन देखने को मिलेंगे और ये सेम रिएक्शन आपके सामने वाले को भी मिलेंगे जिससे ये कन्वर्सेशन और भी अच्छी हो सकती है तो बेसिकली आप प्राइवेट कन्वर्सेशन को और भी मजेदार बनाने के लिए इतना ही नहीं अगर आप कंट्रोल सेंटर ओपन करके वहां से अगर आपको तो आप, 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 को आप ऐसी में हो आप वॉइस नोट नहीं सुन सकते तो ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में ट्रांसफर करके आपको वो ऑडियो मैसेज दिखा सकता है इन फीचर्स के अलावा आपको और भी काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि क्लॉक ऐप में आप मल्टीपल टाइमर्स को एक साथ लगा सकते हो इंटरेक्टिव

आप सफारी में मल्टीपल अकाउंट बना सकते हो यानी कि बाई चांस अगर आप अपने ऑफिस में हो और ऑफिस में ऑफिस से रिलेटेड सारी टैब्स आप चाहते हो कि ओपन रहे और जैसे ही आप घर पहुंचते हो तो आपको ऑफिस वाली टैब्स का कोई यूज नहीं है तो भाई अब आप मल्टीपल प्रोफाइल्स बना के अपनी प्रेफरेंस और लोकेशन के हिसाब से अपनी प्रोफाइल चूज कर सकते हो और वहां पे जैसे आप उस प्रोफाइल को चूज करते हो वो आपकी पर्टिकुलर फील्ड रिलेटेड टैब्स को ओपन कर देगा तो भाई मेरे हिसाब से बहुत ही अमेजिंग अपडेट हो जाता है सफारी का ये आपके ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा एनहैंस कर देगा इसको एक्टिवेट करने के लिए सिंपली सेटिंग्स पे जाओ सफारी पे जाओ और न्यू प्रोफाइल

फोटो को अपने वॉलपेपर में डाल सकते हो और ये कुछ इस तरीके से जब भी आप अपने फोन को ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन अभी फिलहाल आई मैसेज में लेकिन होपफुली आपको आगे चल के व्हाट्सअप वगैरह में भी ये फीचर देखने को मिल जाएगा अब सफारी के अंदर एक और फीचर आपको देखने को मिल जाता है अब आप अगर कोई आर्टिकल देख रहे हो आर्टिकल रीड कर रहे हो और अगर आप कुछ और काम कर रहे हो तो आप उस सफारी के आर्टिकल को डायरेक्टली रीड कर सकते हो और इवन वहीं से पॉज भी कर सकते हो तो ये आपको कौन सा फीचर सबसे यूजफुल लगा मुझे हमारा वीडियो आई वीडियो पसंद होगा लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना ऐसे और वीडियो के लिए और बेलाइन जरूर दबाना ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन तक सबसे पहले पहुंचे तो मैं तब तक के लिए